नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल रेड अलर्ट न्यूज में। आइए लेकर चलते हैं आपको आज की खबरों की। सिवनी जिले के बंडोल में स्थित है माँ योगमाया कात्यायनी देवी मंदिर। सिवनी जिला मुख्यालय से 16 किलोमीटर दूर ग्राम बंडोल में माँ योगमाया कात्यायनी मंदिर में षष्ठी पूजन का अपना विशेष महत्व है। प्रति नवरात्र पर्व के दौरान इस मंदिर में बाराथिनी विवाह योग कन्याओं हेतु षष्ठी के दिन विशेष पूजन किया जाता है। इस शारदीय नवरात्र पर्व के अवसर पर 22 अक्टूबर दिन गुरुवार को बाराथिनी कन्या एवं संतान अभिलाषी दंपतियों द्वारा माँ भगवती का पूजन अर्चन किया गया। पूजन में यह क्रम प्रातः से सायंकाल तक अनवरत चलते रहा। ऐसी कन्याएं जिनके विवाह में बाधा उत्पन्न हो रही है वे इस पूजन में शामिल होती हैं। बताया गया कि ऐसी अनेक कन्याओं ने विवाह में बाधा आ रही थी, पूजन में शामिल होने के बाद उन्हें सुयोग्य वर प्राप्त हुआ। माँ योगमाया कात्यायनी देवी समस्त देवियों में सर्वाधिक सुंदर हैं। ऐसी सौंदर्य स्वरूपा देवी के भवन में मनोकामना पूर्ण 301 ज्योति कलश, 145 घृत ज्योति, 25 वर्षों से गर्भगृह में अखंड दीप प्रज्वलित है, जिसका नवरात्र पर्व में दर्शन का विशेष महत्व। मंदिर के मुख्य अर्चक शास्त्री सत्यन तिवारी जी द्वारा बताया गया कि मंदिर में षष्ठी पूजन हेतु आचार्य राजकुमार शास्त्री एवं अन्य विद्वान ब्राह्मणों की विशेष व्यवस्था की गई है। श्री कृष्ण को प्राप्ति के लिए जो कृष्ण की प्रियता है, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्राप्ति के लिए योग माया का पूजन किया था, जिससे कृष्ण रूपी पति उनको प्राप्त हुआ है। जो कन्या इस माँ भगवती श्री माँ योगमाया कात्यायनी का पूजन करती हैं, उनको स्वयं वर प्राप्त होता है और उनकी मनोकामना जल्द से जल्द सिद्ध होती है। जय माता दी। गणेशन से रहने वाली हूँ, मैंने यहाँ की महिमा बहुत सुनी है और मेरी मनोकामना पूरी हुई है। मैं पहली बार इधर पर आई हूँ, ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। जिले वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बंडोल स्थित योगमाया कात्यायनी मंदिर जो एक प्रसिद्ध मंदिर है, देवी जी का एक प्रसिद्ध स्थान है और साथ ही साथ इस क्षेत्र के और साथ ही साथ जिले के समस्त लोगों की माँ के प्रति श्रद्धा है। और इस भाव से आज ये पंचमी के दिन जो है वो षष्ठी के दिन ये हम सब जिले के लोग माँ के आशीर्वाद लेने के लिए और नवरात्रि पर्व पर कोरोना वायरस का संक्रमण ख़त्म हो इस भाव के साथ, इसी कामना के साथ आज माता हम सब आशीर्वाद लेने आए। सिवनी से सतीश चंद्रा की रिपोर्ट।